हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिक की थिकनेस और क्रिम्प को टेक्सटाइल में किस तरह से मेज़र करा जाता है, कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और हमारा प्रोसीजर क्या है इसकी मेज़रमेंट का। पहला हमारे पास फैब्रिक की थिकनेस, ठीक है। थिकनेस होती क्या है, उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, हम फैब्रिक की थिकनेस मतलब दो प्लेट लेते हैं हम, ठीक है। पैरेलल प्लेट लेंगे दो प्लेन, ठीक है, और उनको फैब्रिक से सेपरेट करेंगे, मतलब दो प्लेट के बीच में हमने फैब्रिक लगा दिया। अब प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमारे फैब्रिक की थिकनेस है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि फैब्रिक को हम दो प्लेट से सेपरेट करते हैं और उन प्लेट्स के बीच का कितना हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारी फैब्रिक की थिकनेस आती है। तो हम इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या अपरेटस हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक है शर्ले थिकनेस गेज, जो हमारा थिकनेस टेस्टर है, इस तरह का रहता है, ठीक है। एक हमें फैब्रिक चाहिए जिसकी हमें थिकनेस करनी है, और सीजर चाहिए सैंपल काटने के लिए, ठीक है, कैंची का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास शर्ले थिकनेस गेज, ये हमारे पास डायल लगा है, डायल में पॉइंटर है जो इंडिकेट करेगा, ठीक है। प्रेशर फुट शाफ्ट है और इसके एडजस्टेंट है हमारे पास लोडिंग यूनिट, जो हमारे पास प्रेशर अप्लाई करेगी। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर फुट है और एनविल है, इन दोनों के बीच में हम फैब्रिक को प्लेस करेंगे, प्रेशर फुट और एनविल में, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो प्रेशर फुट का हमारे पास साइज है उस साइज के हिसाब से हम सैंपल काट लेंगे, और क्या करेंगे, हम फैब्रिक को इन दोनों के बीच में रख लेंगे, प्रेशर फुट और एनविल के बीच में। जैसे जैसे हमारे पास लोड अप्लाई होगा, लोड अप्लाई कर देंगे और एक टाइम आएगा कि ये जो पॉइंटर है हमारे पास स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटर स्टॉप हो गया तो हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, कितना लोड हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंटर ने थिकनेस की क्या हमारे पास रीडिंग दी। उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको अनलोड करेंगे। अनलोड कर दिया तब तक करेंगे जब तक हमारे पास डायल जो है वो हमारे पास इनिशियल पोजिशन में ना आ जाए। जैसे ही इनिशियल पोजिशन में आ गया, वो अगेन हम सैंपल रखेंगे, फिर से हम करेंगे और टेस्ट को हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स, और फिर उसकी एवरेज लेंगे ताकि हमारे पास थिकनेस और एवरेज लोड की हमारे पास रीडिंग आ जाए। तो हमारे पास एवरेज थिकनेस उसकी आ जाएगी लोड के कॉरस्पॉन्ड। क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है, जो हमारे पास पॉइंटर है वो हमें ध्यान रखना है कि जीरो पोजीशन में है कि नहीं है लोडिंग से पहले। अगर वो पहले से ही कुछ पोजीशन पे होगा तो हमारे पास रीडिंग सही नहीं आएगी, और लोडिंग जो है वो ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करनी है और ग्रेजुअली डिक्रीज करनी, एकदम से हम लोड लगा के एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी क्रिम्प क्या होता है, जो जिगजैग बेबी जैसा बन जाता है ना हमारा यान जो है ना, क्रिम्प बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो एक्चुअल लेंथ नहीं बताएगा, जहाँ से मुड़ा रहेगा वो लेंथ तो ज़्यादा होगी, मुड़े से उसकी क्या हो जाती है, जब हम वीविंग करते हैं कोई भी, है ना, तो इंटरलेसिंग जब हो जाती है हमारी यान की, तो उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है फैब्रिक में पड़ के, है ना, ठीक है, क्योंकि वो मुड़ जाता है थोड़ा। यहाँ पे देख लो, ये मान लो हमारे पास यान है एल, ठीक है, इस तरह से ही दिया हुआ फैब्रिक में हमारे पास इस तरह से लगा है। तो इसकी हमारी लेंथ ये पी आएगी, जबकि इसकी एक्चुअल लेंथ जो है ये एल है, तो एल ज़्यादा है ना हमारी पी से, ठीक है। तो हमारा क्रिम्प क्या है, ये हमारे पास परसेंटेज क्रिम्प में हम मेज़र करते हैं। मीन डिस्टेंस जो हमारा स्ट्रेट फाइबर है, ठीक है, और जो हमारे पास क्रिम्प्ड है उनका डिफरेंस, क्रिम्प था एल, एल माइनस पी डिवाइडेड बाय पी इनटू 100, तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। परसेंटेज क्रिम्प इज डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेटन थ्रेड लेंथ, स्ट्रेटन थ्रेड लेंथ कितनी है हमारे पास, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ थ्रेड वाइल इन द क्लोथ, क्लोथ में पी है और स्ट्रेटन में कितनी है हमारे पास एल है, उसको हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, सेम जो डेफिनेशन है वही इसका प्रिंसिपल है, कि जो स्ट्रेट लेंथ और हमारे पास जो लेंथ है फैब्रिक में, उन दोनों का डिफरेंस को हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारा क्रिम्प की डेफिनेशन है। अपरेटस हम इसके लिए यूज़ करते हैं वीरा क्रिम्प टेस्टर। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके अलावा हमें चाहिए काउंटिंग बैलेंस चाहिए, सीजर चाहिए और फैब्रिक चाहिए सैंपल हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास पहले, सबसे पहले हम इसका काउंट करते हैं, काउंट हमें पता होता है, उस हिसाब से हम ये वेट डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें काउंटिंग बैलेंस वगैरह चाहिए होता है, और हमारे पास फैब्रिक का सैंपल, इसमें हम, ये है हमारे पास बीम है, इसके साथ हमने पाइवेट बीम है, ये फिक्स जॉ है हमारा, ठीक है, ये मूवेबल जॉ है हमारा, इन दोनों के बीच में, फिक्स्ड और मूवेबल के बीच में 12 इंच का डिफरेंस है, नीचे स्केल लगा है, यहाँ पे टॉर्च लगी है जो इंडिकेट करेगी जब हमारे पास टेस्ट पूरा हो जाएगा रिजल्ट लेने के लिए, टॉर्च बल्ब जो है लाइट जल जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेट लगाया हमने फिक्स्ड ग्रैप के साथ, ठीक है, ये पैरलर हो जाता है जब हमारे पास क्रिम्प हमारा निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे हैंड व्हील है जो हम घुमाएंगे क्रिम्प को निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फैब्रिक से सैंपल निकालेंगे, केयरफुली निकालेंगे ताकि उसका क्रिम्प बना रहे, और उसको यहाँ पे हम फिक्स्ड ग्रैब में और मूवेबल ग्रिप में बीच में लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास वेट है फिक्स के साथ, फिर हमारे पास हैंड व्हील है, इससे हल्का 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 निकाल देंगे तब तक जब तक हमारे पास जो हमारा यान है वो एकदम स्ट्रेट ना हो जाएगी। जैसे ही हमारा यान एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो ये पैरेलल पोजीशन में आ जाएगा और हमारे पास टॉर्च जल जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। तो हमारे पास हम उसकी लेंथ को स्केल से मेज़र कर सकते हैं कि कितनी लेंथ पे वो स्टॉप हुआ। तो हमारे पास आ गई लेंथ, कि कौन सी लेंथ आ गई, स्ट्रेटन लेंथ आ गई, क्रिम्प लेंथ हमारे पास पहले से हमने 12 इंच लेके रखी थी, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम क्रिम्प को मेज़र कर सकते हैं। तो क्रिम्प परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। ये है हमारे पास क्रिम्प परसेंटेज। एल क्या है, लेंथ ऑफ यान जिसमें हमारे पास क्रिम्प था, और पी क्या है हमारे पास विदाउट क्रिम्प की लेंथ। ये था हमारे पास वीरा क्रिम्प टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी होती हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जब हम फैब्रिक से निकाल रहे हैं तो क्रिम्प हमारा मेंटेन्ड रहे, वो हमारा स्ट्रेट ना हो जाए, ठीक है। और सेकेंड है हमारे पास जो हैंड व्हील है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है जब तक हमारा टॉर्च बल्ब जो है वो ग्लो ना हो जाए। और तीसरा है कि जो हमारे पास जो स्लाइडिंग वेट है हमारे पास, वो हम यान काउंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना वेट यहाँ पे लगाना है। ये था हमारे पास वीरा क्रिम्प टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू।